नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं। ये जो पेपर है आपका 21 फरवरी 2016 का है, और इसको दोस्तों जो है www.gradeup से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो आप लोग उस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, आप लोग को और भी अच्छे अच्छे पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की, पूरा इसे सॉल्व करेंगे। और आपको पता है हमारा दोस्तों, इसमें आपको मैथ्स नहीं आती है। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी में इसमें आप लोग की सिर्फ GS आएगी, रीजनिंग आएगी और हिंदी आएगी। अगर आप लोग के तीन टॉपिक दोस्तों तैयार हैं तो ये दोस्तों आप लोग की जॉब बिल्कुल 100% पक्की है। ठीक है, तो बिल्कुल आज हम लोग इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोग को हर वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों फिलहाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा, क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा आई होप दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 21 जुलाई को, 27 जुलाई को, 11 जुलाई को, या फिर 27 अगस्त को। ठीक है, तो मैं दोस्तों टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आप लोग को टाइम ज़्यादा चाहिए आंसर बताने के लिए तो आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो, उसके बाद आप लोग देख सकते हो, अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट उसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं फिलहाल, जब तक आप लोग सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है दोस्तों किस संगीत के साथ है, तबले के साथ है, शहनाई के साथ, सारंगी के साथ, या फिर संतूर के साथ। तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो संबंध है ये है संतूर के साथ। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आप लोग का डी वाला, संतूर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग का क्या है यहाँ पर, निमोनिया रोग जो है दोस्तों शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को, क्लोम को, यकृत को, या फिर आंत को। तो दोस्तों जो निमोनिया रोग होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, ये करता है फेफड़ों को प्रभावित। क्लियर इतनी बात। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा की दोस्तों जो मात्रा होती है कितनी होती है, 25 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75%, 80 से 85%। तो दोस्तों आपको बता दें मानव रक्त में जो प्लाज्मा की लगभग जो मात्रा होती है ये होती है दोस्तों आप लोग की 55 से 60%। ठीक है ना, और हमारे ब्लड का दोस्तों लाल रंग किस कारण होता है ये भी आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण दोस्तों हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, चीन, ब्राज़ील, कनाडा, या फिर भारत। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला दोस्तों देश है वो है चीन, क्योंकि चीन ही दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, चाहे दोस्तों आप लोग की जनसंख्या के हिसाब से बात करें। ठीक है ना, दोनों में ये नंबर वन पर ही है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। दोस्तों अगर आप लोग इंडिया का मैप देखें तो वहाँ पर आपको बताना सबसे दोस्तों जो है साउथ साइड में, बिल्कुल दोस्तों साउथ साइड में दोस्तों जो है कौन सा छोर है आपको बताना है, इंदिरा कौल, गुहार मोती, किविदू, या फिर इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों ये है इंदिरा पॉइंट, कौन सा दोस्तों है छोर पर कहते दक्षिणी छोर पर, यह है इंदिरा पॉइंट। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, लोहे की दोस्तों छोटी सी गोली होती है पानी में डूब जाती है, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा सा जलयान जैसे जहाज होते हैं पानी वाले वो तैरते रहते हैं। तो ये सिद्धांत दोस्तों निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, या फिर आर्कमिडीज। तो दोस्तों ये है आर्कमिडीज के सिद्धांत पर, क्योंकि दोस्तों जहाज क्या होता है वो अपने दोस्तों वेट के अकॉर्डिंग उस पर पानी हटाता रहता है, जिस कारण से दोस्तों वो डूबता नहीं है। वही जबकि जो लोहे की गोली होती है छोटी सी गोली लोहे की, वो अपने वजन की तुलना में उतना पानी नहीं हटा पाती है, इसलिए दोस्तों वो स्वतः ही डूब जाती है। ठीक है ना, ये जो सिद्धांत दोस्तों प्रतिपादित किया था ये क्या था, आर्कमिडीज ने, किसने किया था ये सिद्धांत दोस्तों, आर्कमिडीज ने दिया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एट्थ क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए, भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था, 1605 से 1627, 1728, 1857, या फिर 1748। दोस्तों आपको बता दें भारत में जो जहांगीर का शासन काल था, ठीक है ना, तो ये था दोस्तों फिलहाल 1605 से 1627 ईस्वी के बीच का।
स्वतंत्र भारत, जब हमारा दोस्तों भारत स्वतंत्र हो गया था तो उस टाइम प्रथम भारतीय, और गवर्नर की बात करें तो वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचार्य या फिर रामास्वामी सीआर। बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों, ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये वाला दोस्तों आप लोग का आंसर जो बिल्कुल सही है। ओके चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किन्हें माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या फिर भीष्म साहनी जी को, या फिर देवकी नंदन पंत को। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो पिता माना जाता है ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। तो दोस्तों भारत की बात करें, भारत का जो सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान है सर्वोच्च, वो दोस्तों है आप लोग का यहाँ पर भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न। निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये हैं दोस्तों आप लोग के जस्टिस TS ठाकुर जी। फिलहाल क्वेश्चन जो अब आपका आएगा, जैसे कि इस टाइम करंट में आप लोग के जो हैं श्री रंजन गोगोई जी हैं दोस्तों जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ये कि दोस्तों वो भारत के कौन से नंबर पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा फिलहाल दोस्तों 44, 45, 46, 47, 47 जो भी हो आप लोग बताइएगा अपना आंसर। बात करते हैं फिलहाल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए आप लोग का फिलहाल यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले, ठीक है ना, अपना त्यागपत्र जो है दोस्तों किसको सौंपता है? तो ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहेगा तो ये राष्ट्रपति को देता है, और अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग दोनों साथ में, ओके। और आपको बताए दोस्तों अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है और उस टाइम दोस्तों उपराष्ट्रपति ना हो तो वो अपना दोस्तों त्यागपत्र किसको देगा? तो ये क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा लॉजिक के आधार पर दोस्तों वो त्यागपत्र अपना किसको देगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के, आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा, या फिर नफीसुल हसन। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर ये है पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर? पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखिएगा दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन है। बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? ये दोस्तों जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। तो वर्तमान वाले में लॉजिक अपना बिल्कुल गलत ना होने दीजिएगा। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं दोस्तों इसका अकॉर्डिंग जो आंसर है ये दोस्तों आप लोग का यहाँ पर जो बिल्कुल क्लियर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के आखिरकार पंचायती राज मंत्री कौन हैं, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा कमेंट में बताकर। बात करते हैं फिलहाल 16 क्वेश्चन की दोस्तों, क्या है आप लोग का, किस शहर को दोस्तों अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? जींद को, करनाल को, अलीगढ़ को, या फिर मुजफ्फरनगर को। दोस्तों ये है अलीगढ़ को, अलीगढ़ को दोस्तों जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 30, 272, 80, 540, 54, 333, 60 या 500। दोस्तों अगर विधानसभा की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है। जैसे दोस्तों केंद्र में हमारी क्या होती है, राज्यसभा और लोकसभा होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में हमारी क्या है दोस्तों, विधान परिषद और विधानसभा है, ठीक है ना। विधान परिषद दोस्तों जो आप लोग का उच्च सदन मान सकते हो और विधानसभा निम्न सदन मान सकते हो आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में दोस्तों जो है कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक जो है 500 सदस्य रह सकते हैं। 18th क्वेश्चन की दोस्तों फिलहाल बात करते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? तो दोस्तों इनका जो अभियान था ये था क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? मोरारजी देसाई, देवीलाल जी, वीपी सिंह, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये है वीपी सिंह।
बीपी सिंह जी ने दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी कार्यभार नहीं संभाला, बाकी सभी ने संभाला है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत है, 25,000, 32,000, 42,000, फिर 52,000। तो इसका दोस्तों कोई भी क्लियर आंसर नहीं है फिलहाल। ओके, लेकिन यहाँ पर ये तो आपको पता ही होगा कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं दोस्तों, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, 4840, 4550, 5248 या फिर 4482 गज। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ये दोस्तों आप लोग का सही जवाब है इसका, 4840। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 2/3? तो दोस्तों 2/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है कोई भी ग्राम पंचायत द्वारा, अगर वहाँ का उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए वहाँ पर कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है ना? हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों 23 क्वेश्चन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों बात करें आरबीआई की स्थापना की दोस्तों, ठीक है ना, तो कब हुई थी दोस्तों, 1941 में, 40 में, 37 में या फिर 35 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर फिलहाल 1935, ठीक है ना, 1935 में दोस्तों हुई थी आरबीआई की स्थापना। अच्छा यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? मध्य प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर दोस्तों केरल? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ये है दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा दोस्तों? यूपी का जो राज्य पक्षी है क्या है, मोर, हंस, कोयल, सारस? ये तो बिना ऑप्शन के आप लोग बता सकते हैं, सारस है। ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या चीज़ जो है आदित्य नहीं है, आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम, वर्क ग्रुप का नाम या फिर सभी? कौन सी चीज़ दोस्तों ये है सीएन में, कंप्यूटर नेटवर्क में, जो कि दोस्तों आदित्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो है आप लोग की वर्क ग्रुप का नाम जो आदित्य नहीं है, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें आप लोग की आदित्य नहीं, आदित्य हैं बिल्कुल, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जैसे कि एक आईपी एड्रेस होता है, कंप्यूटर का नाम होता है, बाकी वर्क ग्रुप नेम दोस्तों ये जो है आदित्य नहीं है। अच्छा फिलहाल अगला देखिए, कंप्यूटर में निम्न में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको पता है दोस्तों माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, जबकि प्रिंटर दोस्तों क्या है, ये आप लोग की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है दोस्तों, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आप लोग की सीडी ड्राइव होती है ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, और आपकी एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव ये आप लोग की मैग्नेटिक डिस्क होती है, जबकि आपकी जो सीडी होती है या फिर डीवीडी होती है ये जो होती है ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है ना। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और उसमें दोस्तों मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनक्स, एमएस डॉस, एमएस वर्ड, यूनिक्स? अब दोस्तों आपको पता है एमएस वर्ड क्या है आप लोग का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि आप लोग का लाइनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर दोस्तों जो यूनिक्स दे रखा है ये भी आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला। अच्छा याद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी आप लोग का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन नेम क्या है दोस्तों? एक्सेल की दोस्तों कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, .doc, .xls, .pmt, .sml? दोस्तों जो आप लोग की DOC है ये आप लोग की वर्ड के लिए यूज़ होती है, और जो आपका XLS है ये है इसका राइट आंसर, ये एक्सेल में यूज़ होता है। जब भी आप लोग एक्सेल की फाइल सेव करोगे, कुछ भी नाम डालोगे, उसके साइड में .xls करके ही दोस्तों सेव होगी वो फाइल, ठीक है ना। अब कुछ दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के जो है रीजनिंग के आ चुके हैं, ठीक है ना, तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लगाइएगा और बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये तो आप लोग लगा ही सकते हैं, फिलहाल जो नहीं लगेंगे आप लोगों से वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में अगर इन क्वेश्चन को लगाएंगे या समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे भी आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो होती तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, सो गाइज़ इतना आप लोग समझिएगा, फिलहाल क्वेश्चन जो ना लगे वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। 31, 32, 33, ये 34 क्वेश्चन आप लोग का लगा कर देखिएगा,
आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके अभी भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, 35 है, 36, तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब आप लोग खुद से लगा कर चेक कीजिएगा। ओके, तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर 43 तक आप लोग के ऐसे ही क्वेश्चन अभी भी वही चल रहे हैं। इतनी बात तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ ही गई होगी जितना मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसकी फिलहाल PDF फाइल दोस्तों ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग PDF फाइल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, इससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए फिलहाल दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग 50 तक क्वेश्चन तो खुद से लगा कर देखिएगा। इन केस अगर दोस्तों आप लोग के समझ में नहीं आते तो बिल्कुल मैं आप लोग के साथ हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग लगाकर जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिए दोस्तों। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के इस आने वाले वीडियो के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल पेपर काफ़ी इजी है, लेकिन आप लोग समझ लो ये पहले का पेपर है, पहले काफ़ी इजी पेपर आते थे दोस्तों, अब इतना इजी पेपर नहीं आते हैं। सो गाइस, तैयारी को करते रहिए दोस्तों, हर एक चीज़ को पढ़ते रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो बिल्कुल हमारे साथ डिस्कस करिए। ओके, चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पेपर आ चुका है हमारे सामने, देखिए क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या है, पाली भाषा है, संस्कृत है, अपभ्रंश है और या फिर प्राकृत है। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों हिंदी जहाँ से जो जन्म हुआ है ये हुआ है संस्कृत भाषा से। कैसे दोस्तों इसका डिबेट हुआ था, संस्कृत से बनी थी इसमें, ठीक है, वो सारी बातें दोस्तों मैंने जब आप लोगों को हिंदी की स्टार्टिंग बताई थी वीडियो में तब मैंने बताया था कौन सी भाषा किस किस प्रकार से संस्कृत से भाषा हिंदी हमारे रूप में पहुंची है। ओके, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो वर्णमाला व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आप लोग के 33। ओके, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है आप लोग का 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अविकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण। तो दोस्तों ये होता है फिलहाल अव्यय। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या आप लोग का फिलहाल यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग का अध्ययन लिखना है, ठीक है ना। अध्ययन दोस्तों कैसे लिखा जाता है आप लोग का, देखिए अध्ययन गलत है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग का देखिए ये भी गलत है, ठीक है ना, अध्ययन नहीं होता, ये भी गलत होता, ये सही है। अध्ययन कैसे लिखा जाता है दोस्तों ये बताना दोस्तों, दिन रात अध्ययन करके वह जो है प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका। तो अध्ययन दोस्तों कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप यही है, अध्ययन। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग का फिलहाल क्या है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इसमें से आपको चेक करना है कौन सा शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध है। सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति, तो कौन सा दोस्तों शब्द सही है आप लोग को दिख गया होगा दोस्तों, ये जो शब्द है आप लोग का फिलहाल ये है आपका सच्चिदानंद, ठीक है ना। बाकी सभी में गलती, क्योंकि सर्वोत्तम में दोस्तों आप लोग का ता देखिए आधा ता नहीं बना, इसमें सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता। सच्चिदानंद बिल्कुल सही है, जबकि कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं होता। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बचा गया दोस्तों आप लोग का सी वाला, सच्चिदानंद ये आंसर होगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि या फिर समास, क्या बोलते हैं दोस्तों उनको। तो दोस्तों उनको बोलते हैं संधि, ठीक है ना। संधि में दोस्तों वर्णों का मेल होता है, समास में आप लोगों को पता है दोस्तों पदों का मेल होता है ना, शब्दों का मेल होता है वहां पर। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह क्या होगा। तो दोस्तों ये होगा सत्य प्लस आग्रह, क्लियर है ना दोस्तों, ये सत्य और ये आग्रह। उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है, शब्द के आदि में यानी कि शब्द के बाद में, शब्दों के बीच में, शब्द के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आदि उपसर्ग होता क्या है, जैसे कि हमने बोला यहां पर पुत्र, पुत्र से पहले हमने लगा दिया कु, तो बन जाएगा कुपुत्र, ठीक है ना। ये कु लगा के क्या किया, ये कु हमारा कुछ नहीं, यही उपसर्ग होता है। तो दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्द के पहले, सबसे पहले किया जाता है यानी कि शब्द के आदि में, शुरुआत में उसकी। मिठास, तो मिठास में दोस्तों जो आप लोग का प्रत्यय शब्द है वो क्या है, मीठा के आगे क्या लगा दिया हमने, आस लगा दिया। प्रत्यय क्या होता है, बाद में यूज किया जाता है, प्रीफिक्स आप लोग का होता है, देखिए वो होता है प्रीफिक्स और ये होता है सफिक्स। अब देखिए दोस्तों 61 में क्या है यहाँ पर बताना है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। दोस्तों वो कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वो कौन सा समास है, वो है आप लोग का द्विगु समास, ठीक है ना।
द्विगु समास में दोस्तों जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ओके चलिए फिलहाल दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान है तो उसे कौन सा समास कहेंगे? संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभी या फिर द्वंद्व? देखिए द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर और लगता है, ठीक है ना। संबंध में दोस्तों आपको पता है का, की, के यूज होता है, बचा कर्मधारय और अव्ययभी समास, ठीक है ना। तो कर्मधारय में दोस्तों आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, नीलोत्पलम, ठीक है ना, नीला है जो कमल, या फिर इस तरीके के कई सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर बचता दोस्तों क्या आप लोग का, सिर्फ अव्ययभी भाव समास, क्योंकि अव्ययभी भाव समास में दोस्तों पहला पद प्रधान होता है, ठीक है ना। जैसे यथा समय, यथा समय, समय के अनुसार, मतलब है दोस्तों यथा से यहाँ पर, तो पहला पद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पर दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास है, तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। ओके अगला देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक चार शब्द विकल्पों में से विमेल शब्द को चुनिए। घर है, प्रियजन, परिवार, बच्चे। प्रियजन, परिवार, बच्चे, घर, इनमें सबसे अलग शब्द दोस्तों कौन सा आप लोग का? देखिए ये भी व्यक्ति है, प्रियजन हमारे, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, इन सब में दोस्तों व्यक्ति होते हैं, लेकिन घर ये अलग चीज़ है, ये अलग है दोस्तों, इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ये होगा। समस्या होना किसी चीज़ में, कठिनाई आना, जटिलता आना, और यहाँ पर दे रखा है खेद होना, तो क्या दोस्तों इसमें आपको अलग दिख रहा है? देखिए समस्या, कठिनाई, जटिलता, ये सब बात एक ही है, खेद शब्द जो है डिफरेंट है यहाँ पर। ओके अच्छा 66 देखिए दोस्तों, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कठोर, विवेकी, मधुर या फिर विनम्र? कर्कश, कर्कश का मतलब दोस्तों होता है मधुर। श्री गणेश मतलब स्टार्टिंग करनी दोस्तों, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, फिलहाल बंद करना किसी चीज को, इतिश्री। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे बोलेंगे इंद्रजीत, ठीक है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति धनी, श्रेष्ठ, सवर्ण, कुलीन, तो दोस्तों जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे कुलीन बोलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इस अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए दोस्तों। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो यहाँ पर दोस्तों तुम्हें क्या दी जा रही है, यहाँ पर तुम्हारे लिए दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, विस्मयादिबोधक वाचक, निषेधवाचक या फिर इच्छावाचक? दोस्तों जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है वहाँ पर आप लोग का इच्छावाचक होता है, जैसे कि जहाँ पर दुआ दी जाए, बद्दुआ दी जाए, तुम्हारे लिए प्रार्थना की जाए, वो सारे वाक्य आप लोग के कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य, ठीक है ना। ओके तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, ये होगा इच्छावाचक वाक्य। वाक्य का अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग चार को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ वैकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो क्या है दोस्तों इसमें, किस में गलती है? धनवान को व्यर्थ वैकार में, अब यहाँ पर दोस्तों व्यर्थ यूज हो चुका है, फिर से बेकार आ गया, तो एक ही शब्द को दोस्तों में दो बार यूज नहीं करना है, यही चीज गलती है दोस्तों, ठीक है ना। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ओके तो यहाँ पर दोस्तों बेकार शब्द नहीं है क्योंकि व्यर्थ यूज हो चुका है, या तो व्यर्थ यूज करो या फिर बेकार। ओके तो फिलहाल यहाँ पर व्यर्थ यूज हो चुका है, डबल बार करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गलती यही हो रही है। अब आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा से छत्री दोस्तों किसके बाद आता है, का, छात्रा या फिर ज्ञा? तो दोस्तों ये आता है फिलहाल का के बाद, इसका दोस्तों जो है किस वर्ण के बाद आता है, ये आता है आप लोग का के बाद। अच्छा अक्ल का दुश्मन, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, महामूर्ख। खग की, खग जाने खग की भाषा, यानी कि दोस्तों क्या होता है, पक्षियों की तरह बोलना, भाषा जानना, पक्षी अपनी स्वयं भाषा नहीं समझते, या फिर समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को शरारते हैं, तो यही दोस्तों उसका सही आंसर है। 74 का दोस्तों राइट आंसर है आप लोग का फिलहाल डी वाला। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? ओके अब क्वेश्चन नंबर 75 के इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है। नीचे दिए गए वाक्य के पहले अंतिम भाग को क्रमशः 1 से 6 तक संख्या दी गई है, इनके बीच अंशों के 4 भागों को बांटकर या रा ला बा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों भाग को उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बने। अब देखिए यहां पर दे रखा है, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके भाव का मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो यहां पर आप लोग के फिलहाल ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो इन्हें दोस्तों आप लोग को सही से जो है दोस्तों समझाना है, एक सही वाक्य बनाना है। तो दोस्तों जिस प्रकार मनुष्य, आप लोग का आ जाएगा जिस प्रकार उसके स्वभाव, ठीक है ना, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है,
जिस प्रकार अग्नि का धर्म दोस्तों दहकना है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दोस्तों क्या है, दहकना है, उसी प्रकार दोस्तों उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव के पर्याय होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ गया वाह, फिर आ रहा है हमारा दोस्तों पहले नंबर पे आया वाह, दूसरे नंबर पे आ रहा है दोस्तों हमारा या, तीसरे पे आया हमारा दोस्तों ला और चौथे पे आया ये। तो बन रहा है दोस्तों फिलहाल हमारा वाह या ला रहा पहले। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सी वाला। अच्छा इस टाइप का। अब देखिए फिलहाल यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बना रहे, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, कल्प वृक्ष का मतलब होता है पारिजात। क्या दोस्तों, पारिजात, ओके, कल्पतरु और देव वृक्ष, ठीक है ना। ये सारे जितने भी हैं ये सब कल्प वृक्ष के ही आप लोग के पर्यायवाची हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन का मतलब, पुष्प का मतलब, कुसुम का मतलब, ये सब फूल के उदाहरण है, जबकि तनुजा दोस्तों फूल का जो है आप लोग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए रस राज की बात करेंगे तो श्रृंगार रस, प्रेम रस, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है रस का राज, ठीक है ना, रस का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। जिस छंद में चार चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग का यहाँ पर रस छंद अलंकार भी आ रहा है, ओके। तो जहां पर 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो वहां पर दोस्तों होता है आप लोग का चौपाई। वो छंद कौन सा था, वो चौपाई छंद कहलाता है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में लाइनें एक दे रखी है, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिन सही जा छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर शांत रस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रस है एकदम निर्वेद भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर शांत रस होगा। कौन सा रस होगा दोस्तों, ये होगा शांत रस। अच्छा अगला लाइन पढ़ते हैं दोस्तों। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है यह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो इन पंक्तियों में दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, रूपक, उपमा, श्लेष या फिर मानवीकरण। दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों आप लोग का, तो यहाँ पर जो अलंकार है ये है मानवीकरण। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बताइए दोस्तों दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशव जी, कौन है दोस्तों ये आप लोग के कवि। तो ये हैं दोस्तों कबीर, जो निर्गुण निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदि काल की, रीति काल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की। दोस्तों ये है आदि काल की रचना। भारतीय संविधान को किस भाषा में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल। तो दोस्तों इसको हिंदी में शामिल किया गया, यानी का हिंदी में शामिल किया गया है, स्वीकार किया गया। कामयानी महाकाव्य के दोस्तों जो रचयिता हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित काव्य को पढ़िए और उसके अनुसार उसके उत्तर को दीजिए। तो ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ वाला आता है, पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन जाओ लेकिन कायर मत मरो, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, वहां युगों तक खूब पसीना। तो यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि कवि जो है वो क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की या फिर कुछ भी ना बनने की। दोस्तों इन लाइनों को पढ़कर सीधा ही हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि कोई भी रुकावट है उसको ठोकर मारकर दोस्तों आगे बढ़ना है, बिल्कुल बिना रुके बस आगे बढ़ते चलना है। तो यहाँ पर दोस्तों कवि का दोस्तों सीधा संदेश है कि रुकावटों को ठोकर मारना। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आदर्शवादी, समझौतेवादी, खून पसीना बहाकर रुकावट को ठोकर मारना, तो कौन सा जीवन व्यर्थ है। तो इसमें दोस्तों सीधा है, अपनी जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर लेना है कि बस अब मुझसे नहीं हो सकता, अब नहीं करेंगे, समझौता कर लिया ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि जो है दोस्तों जीवन उसका व्यर्थ है जो समझौता कर लेता है अपनी जिंदगी से, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पढ़िए, इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है, कायर का मतलब दोस्तों सहज, समझौतावादी, चालाक या फिर दुष्ट। दोस्तों सीधी बात है यहाँ पर कायर से मतलब ना कोई सहज से, ना कोई चालाकी से, ना कोई दुष्टता से, ये समझौता करने से यहाँ पर आशय है, ओके। नेक्स्ट, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, पाहन का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है पत्थर से, ठीक है ना, इस लाइन में यहाँ पर दोस्तों आए थे, ध्यान से देखिए,
कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। तेरी राह जो रोकने वाले जो पत्थर है उन पर लात मारकर उसे हटा दो, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों पाहन से मतलब क्या है, ये है पत्थर से। ओके, और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कभी ने ऐसा क्यों कहा। कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, या फिर कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। दोस्तों बिल्कुल कायर मनुष्य का जीवन जो है बिल्कुल व्यर्थ होता है। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये पेपर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई और पेपर हो तो आप लोग फिलहाल हमें सजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप लोग को रीजनिंग का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग फिलहाल कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के लिए बना दी जाएगी। ओके, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।